और भाई तुझे पता है इंदौर में 128 मरीज हो गए कोरोना वायरस के और 8 लोग मर चुके हैं अभी तक उसके। 3-2 ऐसा हो गया? और सही भी है भैया। अबे कितने लोग तुमको समझा रहे हैं, अपने मोदी जी कितना तुमसे अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भैया घरों में रहो, लॉकडाउन का पालन करो, सारे डॉक्टर्स सारे पुलिस प्रशासन आप लोगों को समझा रहा, लेकिन संपत्ति नहीं बढ़ रही है भैया इन लोगों के, तो क्या करेगा कोई भी। और अभी ये आंकड़े सिर्फ 8 है, 8 के 80, 80 के 800 और 800 के 8,000 भी हो जाएंगे ना, तब भी इन लोगों को समझ नहीं आएगा, संपत्ति नहीं आएगी इन लोगों के, समझा भाई। ऐसा नहीं है, इंदौर के लोग अब काफी हद तक समझदार हो चुके हैं। अच्छा एक बात बता मेरे को, इंदौर 3 साल से नंबर वन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंदौर के लोग अब समझदार हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, तभी तो इंदौर नंबर वन आ रहा है। और तू मेरी एक बात सुन, इंदौर है ना कोरोना वायरस को भी हरा देगा। और इंदौर ही क्यों, मैं बोलता हूँ पूरा भारत जो है कोरोना वायरस को हरा देगा। और तू आंकड़े देख ले यार उठा के, विदेश के आंकड़े और इंडिया के आंकड़े। इंडिया में संक्रमण अभी काफी हद तक कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अब समझदार है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस वजह से घंटा कम है, खत्म नहीं हुआ है अभी संक्रमण। और जिस स्पीड से फैल रहा है ना, बहुत जल्दी ये आंकड़े अमेरिका और इटली ऐसे हो जाएंगे। और तू क्या बात कर रहा, समझदारी की और जागरूकता की? इंदौर के टाटपट्टी वाकल में जो घटना हुई, मेडिकल की टीम पे पथराव करना, ये समझदारी थी? दिल्ली के मरकज में जो हजारों लोग इकट्ठा हुए थे उनकी वजह से था संक्रमण फैल गया, ये क्या था? समझदारी है ये जागरूकता है। अब है ना ऐसे लोगों की वजह से सरकार परेशान है, सब इंसान परेशान है, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से, और तू बोला समझदारी आ गई है। वाह, बात तो सही बोले तूने भाई यार। कुछ लोगों की ना समझी और मूर्खता की वजह से हर किसी को दिक्कत उठानी पड़ रही है। भाई लोग, आप सभी से एक निवेदन है मेरा, मैं विनती करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसी मूर्खता ना करें, आप लोग समझदार बनिए, सरकार के आदेशों का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का यूज कीजिए, हाथों को साबुन से धोइए, सैनिटाइज करिए, यही एक उपाय है कोरोना वायरस से बचने का। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज है 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को मोदी जी ने कहा है कि रात को 9 बजे हम सभी को घर के बालकनी पे, घर के अंदर, घर के गेट पर दिए लगाना है, मोमबत्ती जलाना है, और जो है टार्च की रोशनी करना है, ठीक है? तो इसको घरों के अंदर रह के करना है। हाँ, घर के अंदर रह के ही करना है, बाहर मत निकल जाना, जुलूस लेके, अखाड़ा लेके, नाचा कूदी कर रहे हैं, मोमबत्ती दिए ले लेके बाहर निकल गए, घर के अंदर रह के करना है ये सारे काम, घर की बालकनी में या घर के दरवाजे पे दिए जलाना है, घर से बाहर नहीं जाना है, समझ में आया? बस उधर जाओ रे अबले इंदोरियो।